मंगलवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में परिषदीय अनुदेशक संयुक्त मोर्चा विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह के नेतृत्व में धरने पर बैठे अनुदेशकों का कहना है कि 15 से 16 माह बीत जाने के बाद भी अधिकारियों की लापरवाही और हिला हवाली के चलते अभी तक बकाया मानदेय का आदेश नहीं हो सका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष परिषदीय अनुदेशक संयुक्त मोर्चा विक्रम सिंह ने कहा, अनुदेशक एकता जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूर हो, अनुदेशक एकता जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा। सर, 27 मार्च 2017 को पीएबी बोर्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बैठक में हम लोग का मानदेय 17,000 रुपया पास हुआ था। अनिश्चितकालीन धरना है। विक्रम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, अनुदेशक संघ, गोरख, उत्तर प्रदेश।